हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी को हम अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्ज़ी ग्रो की जाती है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग गांव में आते जाते होंगे छुट्टियों में, वो जानते होंगे कि इन दिनों में जो है कि गेहूं की फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं। तो खेत खाली हो जाते हैं तो जो किसान लोग होते हैं वो खेतों की जुताई वगैरह कराकर बहुत सारी फसलें बोते हैं, जैसे कि भिंडी और लौकी, जो भी समर की जो भी सब्जियाँ हैं वो सारे, करेला वगैरह और ये सब लगाते हैं। तो मैंने भी कुछ वेजिटेबल्स ग्रो पहले भी किए थे और इन दिनों में भी मैंने कुछ वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं। वो वेजिटेबल्स किस तरीके से मैंने ग्रो किए हैं सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरा एक पुराना मिर्च का पौधा जिसपे कि आपको काफ़ी रेड रेड मिर्च दिख रही होगी, क्योंकि दो तीन बार मैंने इस पर से हटाया था। अभी मैं टेरेस पर बहुत कम ही आती जाती हूँ, सुबह शाम बस पानी देने के लिए, तो इसको मैंने हटाया नहीं है। बहुत सारे मिर्च के फूल आए हुए हैं और ये ऐसे पॉट में लगा है जिसमें कि बहुत सारे, एक और प्लांट है मधुकामिनी का, वो भी लगा हुआ है। तो ये मेरा मिर्च खूब अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा मैंने जो जो वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं वो दिखाती हूँ। एंड गाइस, ये मेरा एक सीमेंट का पॉट है जिसमें कि मैंने दो तीन किस्म के वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं, जो कि बड़े हो जाने पे मैं इन्हें हटा दूँगी। देखिए, ये नेनुआ है, आई थिंक इसको नेनुआ ही बोलते हैं, अभी दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं। उसके अलावा ये देखिए, ये और यहाँ पे मैंने भिंडी ग्रो किया है, एक मिनट, ये देखिए एक भिंडी का बीज और एक यहाँ, और ऐसे ही निकल रहे हैं, और एक यहाँ पे भी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, पास पास से दिखाती हूँ, ये निकल रहा है। अभी सुबह पानी नहीं दिया था मैंने, आज मैं टेरेस पे नहीं आई थी किसी कारणवश, तो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। बाकी ये अगर सुबह शाम पानी दो तो ये ड्राई नहीं होता है, क्योंकि ये सीमेंट का मोटा सा बोनसाई के लिए पॉट बनाया था मैंने, और जिसमें कि मैं अडेनियम लगाने वाली थी। और ये देखिए, इसी में मैंने दो ये टमाटर के पौधे ग्रो किए हैं जिनमें कि अब फूल आने लगे हैं। एक ये है कुछ इस तरीके से और एक ये है, तो ये खूब अच्छे से चल रहे हैं। जब ये पौधे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें बड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस इसी में छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें ये हो नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बोनसाई का है। तो मैंने इसको मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके, बस पानी डाल के, जब मिट्टी गीली हो गई तो मैंने थोड़ी थोड़ी लकड़ी से गड्ढा बनाया और उसमें ये सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, जो कि अब निकल चुके हैं, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल हैं, और ये मेरा रंगूर कीपर जिसमें कि अभी देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका फूल। ये देखिए, आपके रंगूर कीपर में फूल आ रहे हैं या नहीं, इस बात को ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा ताकि मेरे को भी कुछ आइडिया मिले। और हमारे यहाँ थोड़ा सा आंधी तूफान का माहौल है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें इस समय जो तूफान के बारे में बता रहा है वो, उसका थोड़ा हल्का फुल्का असर हमारे इधर भी है। एंड गाइस, एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई है, देखिए कितना खूबसूरत सा गजानिया का फूल, इसको मैंने फुल सनलाइट में रखा है, कोई ग्रीन नेट नहीं, कुछ भी नहीं, कटिंग से लगा था, चार फूल खिले हैं, बर्ड ही बर्ड है। कितना प्यारा लग रहा है ना, इसका कलर कितना क्यूट सा है, कितना प्यारा सा है, कितना अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला है। पर ये गमला मेरा ख़राब हो रहा है, इसमें अडेनियम लाए थे मेरे हस्बैंड, काफ़ी खूबसूरत है।
और मैंने खरबूजे के बीज को डाला था, जो कि देखिए ये ग्रो हो रहे हैं। और इसके अलावा भी मैंने एक जगह डाला था, हालांकि खरबूजे का जो ग्रो करने का टाइम होता है वो फरवरी मार्च होता है, लेकिन जब हम लोग खाने लगते हैं खरबूजा आ जाता है मार्केट में, तो मैंने इसकी सीडलिंग डाल दी और एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं इसके पौधे, देखिए अब इतना बड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं इसको लगाऊंगी सैंडी सॉइल में और देखूंगी कि क्या रिज़ल्ट आता है, और जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा प्यारा सा एक बोगनविलिया का फ्लावर प्लांट है, कितने प्यारे कलर है इसके भी और इसके भी, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके कलर और भी ज़्यादा खिल के आएंगे, अभी तो कुछ ही दिन से खिल रहे हैं। और ये मेरा एक टमाटर का पौधा जिस पे कि टमाटर लगे थे और मैंने तोड़ लिए छोटे छोटे और रेड कलर के हो गए थे, तो मैंने इसको रिमूव करके सब्ज़ी में डाल दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो मार्केट के लाए हुए टमाटर होते हैं उसमें खटास नहीं होती है और वो काफ़ी कड़क होते हैं, जो कि सब्ज़ी वगैरह में खूब अच्छे से भूनने पर ही गलते हैं। पर ये वाले जो हमारे ये मेरा जो टमाटर का पौधा है ये बिना खाद का है, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला गया है, तो ये काफ़ी हेल्दी है। तो सलाद के रूप में भी इस तरीके के टमाटर को आप शामिल कर सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं। वैसे तो सलाद खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्थफुल होता है, मगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद यूज करिए। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूँ कि क्योंकि सलाद में टमाटर में विटामिन सी होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये देखिए मेरा टमाटर का बहुत बड़ा ये प्लांट है मेरा, और इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर फल आए थे, मतलब टमाटर के जो फल होते हैं वो लगे थे, और ये सब तो वही पुराने हैं। इसके अलावा मैंने मिर्च के बहुत सारे पौधे ग्रो कर रखे हैं, और मैंने वो भी लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, मीठी नीम जिसे कि कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसके दो तीन पौधे छोटे छोटे मुझे कहीं से मिल गए थे तो मैंने लगा दिए हैं। और ये देखिए, और एक यहाँ पर भी छोटा सा टमाटर है, तो इसको भी बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। मेरे कुछ कोलियस के प्लांट थे जो कि अब काफ़ी पुराना होने के बाद उसका जो पत्ती वत्ती का कलर है ना वो डल सा हो गया, तो बस उसको हटाकर उसी में कुछ टमाटर के या फिर मैं खरबूजे के या फिर जो मेरा नेनुआ का पौधा है उसको मैं ग्रो कर दूँगी। और ये तीन मिर्च के पौधे जो कि खूब अच्छे से देखिए फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ये मिर्च भी इस पे लगी हुई है, प्लास्टिक की बोरी में था और इसमें काफ़ी मिट्टी सूख जाती थी, तो बस इस मिट्टी में नमी बनी रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो हमारे कोकोनट के हेयर होते हैं उससे मैंने इसका मल्चिंग कर दिया है। और इसमें मैं देख रही हूँ कुछ घास पतवार उग रहे हैं, तो बस इसको हटाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो होते हैं ये सही नहीं होते हैं हमारे सब्ज़ी वाले पौधों के लिए घास, तो इसको हटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर दूसरा प्लांट दिखाते हैं। और ये मेरा एक पॉट जिसमें कि ये देखिए गेंदा का पौधा एक है मैरीगोल्ड, और यहाँ पे भी एक लगा था तो वो तो सूख गया बेचारा, और ये डाइंथस की दो कटिंग लगाई थी ये खूब अच्छे से चल रही हैं, और इसी में मैंने सदाबहार के बीज डाले थे जो कि ग्रो हो रहे हैं, और ये खरबूजे का प्लांट ये देखिए खूब अच्छे से चल रहा है, और एक ये मर भी गया है, ये थोड़ा सा ये देखिए लूज हो गया, और ये देखिए ये सारे हैं, फिर थोड़ा सा हाइट पकड़ लेंगे ना लेंगे तो इसे 10-10 इंच के पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी, वो भी खूब अच्छी सी सॉइल के साथ, तो ये हो सकता है कि ये फ्रूटिंग करें, अभी तो देखेंगे, पहली बार मैं भी ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई करने से आइडिया मिलता है, तजुर्बा होता है काम करने का। और जब हम लोग प्लांट लगा ही रहे हैं टेरेस पे तो कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स तो ज़रूर ग्रो करना चाहिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा एक मटकी जिसमें कि मैंने ये देखिए ये छोटा सा पौधा है
और इसके अलावा भी है दो, अभी दिखाऊंगी। और इसमें बहुत सारे मिर्च के मैंने सीड डाल दिए थे जो कि ग्रो हो गए हैं। इन्हें निकाल निकाल के थोड़ा सा ये और हाइट पकड़ लें, तो इन्हें निकाल निकाल के मैं किसी अलग से पॉट में शिफ्ट करूंगी। और आपको तो पता है मिर्च के जो पौधे हैं, अगर उन्हें लगा कर फिर जब उसमें फ्रूटिंग जब उसमें मिर्च लगना बंद हो जाए तो उन्हें प्रून कर दीजिए, पानी वगैरह देते रहिए, गुड़ाई कर दीजिए, फर्टिलाइज़र दे दीजिए, तो उसमें से फिर से नए नए ब्रांच निकलते हैं और उस पर मिर्चें लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए ये दो, और ये है मेरा मीठा नीम कड़ी पत्ता, जिसका कि इस्तेमाल बहुत सारे खानों में किया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने से खाने का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इसको खाने में यूज़ करने से जो हमारे जो लोग मोटे होते हैं उनका कैलोरी ख़त्म होता है, मतलब जो वेट बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को भी ये कम करता है। तो होप करती हूँ गाइस आपको हमारा ये जो मैंने समर में वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे बाद में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।